की मजबूरी है कि वो जब भारत से, चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, एक्स वाई जेड जो भी हों, जब वो भारत से विदेशों में जाते हैं तो बुद्ध की मूर्ति ले जाते हैं और कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। सच्चाई ये है, बिना 22 प्रतिज्ञा के कोई भी बुद्धिस्ट बन ही नहीं सकता है। और 22 प्रतिज्ञा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दी है, और जितने भी आज दो दीक्षा ले रहे हैं सबसे पहले 22 प्रतिज्ञाओं को ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज एक ऐसा दिन है जिस दिन को बहुजन समाज के लिए अगर मैं गर्व की बात कहूं तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसी दिन परम पूज्य बाबा साहब ने एक ऐसी व्यवस्था पर लात मारकर उस व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया था जो करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देते हुए इस देश में समानता की बात करती है, भाईचारे की बात करती है और एक साथ मिलकर आगे बढ़ाने की बात करती है। और अभी वर्तमान में जहां से आप ये दृश्य देख रहे हैं वो है नेपाल की धरती लुम्बिनी। जी हाँ, वही लुम्बिनी जहाँ पर महाकाणिक तथागत बुद्ध का सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो जिस तरह से जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है उसका 15 अधिवेशन यहाँ पर बड़े धूमधाम से किया गया, और यहाँ पर लगभग 28 राज्यों से भारत के लोग आए हैं और 5 दिन का अधिवेशन यहाँ पर चला है। भले क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, हर उम्र के व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे होंगे। और जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे, मैं कुछ लोगों से जानने का प्रयास करूंगी, जुड़ने का प्रयास करूंगी कि आखिर भारत की धरती छोड़कर नेपाल की धरती पर इस धम्म कारवा का आयोजन किस लिए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरी प्रसाद उपासक है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और आज का दिन परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1456 में जो दीक्षा लिया था, दीक्षा दिवस का दिन है और पूरे भारत के लोगों को दीक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये लुम्बिनी जो स्थल है वह पवित्र स्थल है जहाँ तथागत का जन्म हुआ, तो आज तथागत के जन्मदिन के मौके पर पूरे भारत के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और सब लोगों ने संकल्प लिया है जब तक कि परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा नहीं होगा तब तक कोई चैन से नहीं बैठेगा। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने भी लोग हैं आज सब लोग यहाँ पर पवित्र भूमि पर आए हैं और पवित्र भूमि के दर्शन करेंगे और जाकर पूरे भारत में इस पताका को फैलाने का काम करेंगे। आपका धन्यवाद। जी सर, ये भी जानना चाहूंगी जिस तरह से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा काम कर रही है और जो लोग आज एक ऐसी व्यवस्था को छोड़कर इस बुद्ध की शरण में आ रहे हैं, जो व्यवस्था करुणा, मैत्री, भाईचारे की बात करती है, क्या 22 प्रतिज्ञाओं के साथ लोगों की यहाँ पर वापसी हो रही है या फिर ऐसे जैसे वहाँ थे वैसे यहाँ है? सच्चाई ये है, बिना 22 प्रतिज्ञा के कोई भी बुद्धिस्ट बन ही नहीं सकता है। और 22 प्रतिज्ञा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दी है, और जितने भी आज दो दीक्षा ले रहे हैं सबसे पहले 22 प्रतिज्ञाओं को ले रहे हैं। और जहाँ जो घटना की आप साहब बात कर रही हो वो उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा उनकी उन्होंने बात की है। और बिना 22 प्रतिज्ञा के धम्म का पूरा दीक्षा लेना असंभव है। धम्म की 22 प्रतिज्ञा बहुत आवश्यक है और सबको लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर लोगों की जो बातें निकल कर आ रही है, क्योंकि बुद्ध का धम्म साथियों एक ऐसा धम्म है, अगर इस धम्म को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है तो उसका चहुमुखी विकास हुए बिना रुक ही नहीं सकता। और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएँ हैं, पुरुष हैं और भी लोग हैं, और खासकर यहाँ पर जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धर्म प्रकाश भारती जी, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी और जानना चाहूँगी सर भारत की धरती छोड़कर आज नेपाल में इतने बड़े धम्म कारवा को आयोजित किया गया है, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तथागत गौतम बुद्ध का जन्म इसी लुम्बिनी में हुआ था, जब एक विशाल वन का रूप था इसका, तो बुद्ध की जन्म स्थली ये है, तो इसलिए दुनिया में जो बुद्ध का ज्ञान गया है तो उसका जो पहला कदम रखा गया वो इस लुम्बिनी पे ही बुद्ध ने एक छोटे बालक, शिशु और सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया था। तो हम लोग चाहते हैं कि भारत के देश के लोग, दुनिया के देश के लोग जरूर लुम्बिनी आएं और अपने उस महाकारुणिक जिसने पूरे संसार को शांति और मानवता का संदेश दिया, उन्होंने जो विज्ञान दिया उसी विज्ञान के आधार पर आज पूरी दुनिया में अनेक टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। पूरी दुनिया में अगर किसी धर्म गुरु ने विज्ञान का ज्ञान दिया है, इंसान और इंसानियत का ज्ञान दिया है, तो वो गौतम
सिद्धार्थ बुद्ध हैं और चूंकि उनकी ये जन्म स्थली है इसलिए हम लोग यहाँ पर एक आज विश्व शांति धम्म यात्रा निकाल रहे हैं और हम चाहते पूरे देश में बुद्ध का जो शांति का संदेश है वो पूरी दुनिया में जाना चाहिए और भारत के 30 राज्यों के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो लगभग भारत के प्रत्येक राज्य के कोने कोने में भी बुद्ध के धम्म की ये आवाज़ निश्चित रूप से जरूर जाएगी। यही हमारा प्रयास है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का यही प्रयास है, इसी के लिए हमने आज ये 5 दिन का कार्यक्रम लुम्बिनी में रखा है। सर, जिस तरह से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, हम देखते हैं कि अक्सर जब भी विदेश में जाते हैं तो वो बुद्ध की आइडियोलॉजी की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं और अक्सर कहते नजर आते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आता हूँ। और अभी पिछले दिनों यहाँ पर भी नेपाल में एक बहुत ही भव्य ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है जो कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अनुयायियों ने बनवाया। यहाँ तो उद्घाटन करने आते हैं, लेकिन क्या बात है कि जिस धरती में वो महाकारुणिक तथागत बुद्ध जन्मे और वहाँ पर उनकी आइडियोलॉजी फैली, आज कहीं ना कहीं उस आइडियोलॉजी से लोग दूर है और भारत की सरकारें इस पर काम नहीं कर रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि भारत में आज तक जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं या बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुँचे हैं वो निश्चित रूप से दोगले व्यक्ति हैं। दोगले व्यक्ति हैं, उनके मन में कुछ और है। और चूंकि जब विदेशों में जाते, आपका सवाल है कि विदेशों में जाते तो बुद्ध की बात करते हैं, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से वो लोग जानते हैं कि विदेशों में अगर हमको सम्मान पाना है, विदेशों में हमें भारत का नाम रखना है तो बुद्ध के साथ जोड़कर ही रखा जा सकता है। जिस विचारधारा में उनकी श्रद्धा है, आस्था है, जिस विचारधारा का वो या जिन लोगों का वो प्रचार प्रसार भारत में करते हैं उनको दुनिया के कोने में कोई नहीं जानता, केवल बुद्ध को ही लोग जानते हैं। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो जब भारत से, चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, XYZ जो भी हों, जब वो भारत से विदेशों में जाते हैं तो बुद्ध की मूर्ति ले जाते हैं और कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, इसीलिए उनको सम्मान और इज्जत मिलती है, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन वो दोगले लोग हैं, भारत में बुद्धिज्म के लिए और बुद्ध के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, ना ही उनकी चाहत है। सर, जानना चाहूंगी जिस तरह से 14 अक्टूबर सन 1956 का एक विशेष महत्व दिन का, एक तरह से हम कहें कि ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए क्या विशेषता है खासकर आज के दिन की? देखिए, आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2007 को आगरा में, और इसका स्थापना करने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि 14 अक्टूबर 1956 को परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और उनका संकल्प था पूरे भारत को बौद्धमय बनाना, प्रबुद्ध भारत बनाना। लेकिन वो हमारे बीच में ज़्यादा समय नहीं रहे तो उनका ये आंदोलन, उनका ये मिशन अधूरा रह गया। तो फिर उसके बाद माननीय काशीराम साहब ने ऐसा सोचा कि मुझे ये बुद्ध का काम करना चाहिए, भारत को बौद्धमय बनाना चाहिए। लेकिन 15 सितंबर 2003 को उनको ब्रेन अटैक आ गया और 2006 में वो हमारे बीच से चले गए। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि अब बाबा साहब भी नहीं हैं, माननीय कांशीराम साहब भी नहीं हैं, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी और माननीय काशीराम साहब के जो शिष्य हैं, चेले हैं, तो वो सब लोग मिलजुल कर इकट्ठा होकर हमें हमारे महापुरुषों के आंदोलन को, प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत की आवाज़ को भारत के कोने कोने में बुलंद करना चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ भारत के समस्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग और कांशीराम साहब के द्वारा तैयार किए गए बहुजन समाज को जगाने वाले लोग इस समय मिलजुल कर इस धम्म की ज्योति को पूरे देश में फैलाने का काम कर रहे हैं, सोते हुए लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है आज ही के दिन उसकी स्थापना की गई थी और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि 14 अक्टूबर सन 1956 में परम पूज्य बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर साथियों उस परंपरा का त्याग किया था, उन रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ा था, उस दलित शोषित पिछड़े समाज में जो अत्याचार शोषण हो रहा था जिस व्यवस्था के कारण, उसको लात मारकर एक ऐसी दिशा में बढ़े थे जिसमें कि बहुत बड़े स्तर पर करुणा मैत्री भाईचारे की बात तो होती है बल्कि व्यवहार के रूप में भी उसको मनोसात करके आगे प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है उसके जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, दूर दराज के राज्यों से, भारत से चलकर, अभी बताया जिस तरह से 28 से 30 राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और एक संकल्प है कि जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने भारत देश को बौद्ध में बनाने के लिए रात दिन एक किया, उसके बाद में जिस तरह से साहब माननीय काशीराम जी ने भी सत्ता के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में उसको स्थापित करने का काम किया, आज उसी कड़ी में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। और वास्तव में इस तरह के कार्यक्रम खासकर भारत के लोगों के लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और सीख लेनी चाहिए कि अगर आप सही रूप में महाकाणिक तथागत बुद्ध के अनुयायी है या बाबा साहब के अनुयायी है, साहब माननीय काशीराम के अनुयायी, तो आपको इस दिशा में चलकर सही रूप से धम्म को मनोसात करना पड़ेगा और तभी धम्म आगे बढ़ पाएगा और उसके माध्यम से आपका कल्याण होगा।